ओम शांति। मानिस जीवन सफलतार त्यागर महत्व रही आध्यात्मिकतार मार्ग में त्याग ही सफलतार आधार कहा जाए। तेबे त्यागर महत्व को जानिबा परे आमको निर्णय करिबा दरकार कि वर्तमान कौन त्याग करिबार आवश्यक अछि, शरीर, धन, कर्म ना आउ किछि। तेबे आज आम ए त्यागर संकल्प को साकार करिबा पई किछि सुनिबा। ऋषि अग्निवेशंकर पुत्र कारुण्य वेद तांकर आध्यात्मिक उन्नति पाई वेद अध्ययन करिबा पई ऋषि तांकु अन्य आश्रम मानकु पठेथिले। तबे अध्ययन सारिला परे से तांको बापांक आश्रम को फेरी आसिले। ऋषि देखिले कि पुआ आउ किछि करूनी, सबु कामरु विशेष करी आराधना उपासना संध्या वंदना ए सबु किछि न करिकरि से खाली चुपचाप हेकरि निर्लिप्त भावरे बसि रहछि। ऋषि अग्निवेश चिंता रे पड़ी गले। आ दिने पुओ को पचारिले, पुओ तु किछि करूनु काहेकि, ब्राह्मण घरर पुओ हेकरि आमको किछि करिबा दरकार, पूजा अर्चना संध्या वंदना उपासना ए सब नकले केमती हब, ए सब आमर कर्तव्य। एक कथा सुनिकिरी कारुण्य वेद कहले, बापा मु जहा बुझी कि कर्म कले आमको मोक्ष मिलिबनी, मुक्ति मिलिबनी, तेणु करिकिरी एया भी बुझी जदि आमको संध्या उपासना आराधना आदि करिबा को हुए से सबू तो श्रुतिर अंतर्गत, आउ जदि श्रुति रे मध्ये लेखा हेची ए प्रकारर साधनारे मुक्ति प्राप्ति नाही, तेबे मु बुझी पारुनी कौन करिबा को हबो, किछि समाधान न पाइकरी मु चुपचाप बस जाउची। आउ बुझिली कि कम से कम कर्म को त्याग कर दबा बोधुए श्रेयस्कर हबो। ऋषि अग्निवेश पुअर ए प्रकार मानसिक द्वंद्व कथा बुझी पारिकरी तांकू गोटे कहानी सुनेले। कहिले हिमालय शिखर रे जोठी गंगार उत्पत्ति हेची से स्थान रे जने राजा सुरुचि नामक तपस्या करथांती, कठोर तपस्या करथांती। दिने सी भगवत चिंतारे मग्न थांती, से देखिले आकाश मार्गरे जड़े इंद्रदूत पृथ्वी पृष्ठ को आसुचंती। से अटके कि पचारिले कि आपण इंद्रपुरी रु मर्त्य आड़ को काहेकि आसुचंती। इंद्रदूत कहिले कि गंधमार्दन पर्वत उपरे जड़े राजर्षि अरिष्टनेमी सी कठोर साधना करचंती, तपस्यार बल एत्ते बेसी जे देवराज इंद्र भयभीत हो जाइछंती। से आशंका करचंती कि काले अरिष्टनेमीकर तपस्या आधार रे से इंद्रपद को ग्रहण करनेबे, इंद्रपद हासिल करनेबे, तेणु तांकरी आदेश रे मु बाहरिछि अरिष्टनेमीक पाखको। देवराज इंद्र मते निर्देश देछंती पाखको जाइकिरी तांको स्वर्ग प्राप्तिर प्रलोभन देकरी तपस्या भंग जे कोनोसी प्रकारे कराओ, तेणु से आदेश को मानिकिरी मु गंधमार्दन पर्वत आड़कु जाउछि। तेबे से इंद्रदूत तापरे जाइकिरी से साधनारत अरिष्टनेमीक पाखरे पहुँचिले। राजर्षि को से स्वर्ग लाभ संबंध रे वर्णना कले, स्वर्ग प्राप्तिर फलाफल संबंध रे मध्य वर्णना कले। ए सब वर्णना सुनिकिरी अरिष्टनेमी जेतेबेले बुझी पारिले कि स्वर्ग लाभर फलाफल कौन, स्वर्ग प्राप्ति परे पुण्यर क्षय हो जाए, कालक्रमे पुण्यर क्षय हेला परे
पुणी पुण्य अर्जन करिबा पई साधना करिबा पई मर्त्यु को फेरी आसिबा को पड़े। एक कथा सुनिला परे अरिष्टनेमी कहिले, ना मते क्षमा कर, मु स्वर्ग लाभ को त्याग करुचि। ए प्रकार प्राप्ति बदल रे जदि मते ए शरीर को, ये तो मोर शरीर को जदि मते त्याग करिबा को हबा चिरकाल पई ताकु मु श्रेयस्कर मने करिबे। एहा कहिकिरी से स्वर्ग लाभ को त्याग कले एवं तांक साधनार पथरे कर्म को आबरी नेले, कर्म साधना करि पकेले। ए कहानी सुनिकिरी कारुण्य वेद ए कहानीर मर्म बुझी पारले कि बापा मते कौन कहुचंती, तांक भूल बुझिकिरी से पुणी कर्म तत्पर होगले। तेणु बास्तवरे जदि आमे आम साधना पथरे सफलता चाहूचे तेबे कर्म धन शरीर ए सबको किभली भावरे व्यवहार करी हेब एवं कौनसी स्थानरे त्यागर महत्व को किभली भावरे प्रयोग करा हेब जदि आमे ठीक भावरे बुझी पारिबा तेबे समयर सत व्यवहार करिकरी ए सब उपादानर उचित व्यवहार करिकरी आमे सफलता प्राप्तिर अधिकारी हे पारिबा। त्याग अर्थात यथार्थ व्यवहार, आवश्यक स्थले उपादानर व्यवहार, अन्यथा से समस्त को त्याग करिकरी से समय उपयोगी कर्म को आदरी नबा। ओम शांति।